हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद संस्कार में। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा नौवीं परीक्षा 2021-22 आपका जो सेट डी है वो आ चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 23 के 23 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। फुल पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है, आपकी जो कक्षा नौवीं सेट डी की पूरी पीडीएफ सेट डी की आ चुकी है। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है 6 से लेकर जो आपके डी की जो है 23 तक आ चुके हैं सभी प्रश्न। तो वीडियो पर लास्ट तक पहले बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कक्षा नौवीं परीक्षा 2021-22 लेकर आया हूँ सेट डी। यहाँ पर देखिए आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर। और यहाँ पर देखिए आप लोग जो यहाँ पर आपका देखिए कोड दिया गया है। यहाँ पर देखिए सेट डी आपके जो है पेजेस दिए गए हैं यहाँ पर। और आज की वीडियो में हम जो इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, कक्षा नौवीं परीक्षा 2021-22 सोशल साइंस का जो हम पूर्व फुल पीडीएफ लाए हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर की। तो यहाँ पर देखिए हम आपको जो है आज की वीडियो में जो है सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम इसके उत्तर नहीं, अभी जो है हमें अभी अभी मिला है पेपर, अभी अभी वायरल हो गया पेपर, तो हम आपको तुरंत जो है पीडीएफ बताने वाले हैं, इसकी जो सभी पीडीएफ बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है अथवा का है प्रवाल से आप क्या समझती है। और देखिए यहाँ पर आपका फ्रांसिस समाज किन वर्गों में बटा है, जैकोबिन क्लब की सदस्य कौन थी। फिर इसके बाद जो है आठवां प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए, धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। यहाँ पर प्रतिनिधि देखिए, हमने आपको जो है हमने अभी सेट ए सी की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या कहा था कि आप अथवा सेट पढ़ लीजिए। यहाँ पर अगर आपने अथवा सेट पढ़ लिया था तो देखिए हमने जो ये प्रश्न बताया था सेट ए में तो आपका डी में आया है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था अथवा सेट आप पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या है, और यहाँ पर लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाला प्रश्न बताया था प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका जो दसवां है वो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दसवां है संविधान क्या है और भारतीय संविधान कब लागू हुआ उसके बारे में अनुच्छेद कीजिए। तो हमने देखिए आपको ये वाला प्रश्न बताया था संविधान क्या है, तो आप जो है हमारी वीडियो को जाकर देख लीजिए, दसवां प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आपका सेट डी है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपका प्रश्न ग्यारहवा है जो कि देखिए यहाँ पर भारत की स्थलीय एवं समुद्री सीमा का वर्णन कीजिए, मानक समय से आप क्या समझते हैं। 12वां है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं और तमिलनाडु में शीत ऋतु वर्षा क्यों होती है। फिर प्रश्न 13वां है फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। 14वां है कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए, स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। फिर जो है 15वां प्रश्न है सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो यहाँ पर देखिए न्यूरमबर्ग नागरिकता का अधिकार 1935 क्या था। फिर इसके बाद जो 16वीं का अथवा नाथसी सोच के खास पहलू थे, तो जो है इसके जो उत्तर हैं हमने जो है आपको अगली वीडियो में पिछली वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के गुण लिखिए, और यह इसका जो अथवा है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो जो हमने लोकतंत्र की आपको विशेषताएं लिख दी थी पिछली वीडियो में, आप जाकर देख लीजिए। फिर 18वां प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखिए। फिर इसके बाद चुनाव आयोग किसे कहते हैं, भारत के चुनाव आयोग अधिकार लिखिए। फिर इसके बाद जो 19वां प्रश्न है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। फिर इसका जो अथवा है हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए। फिर 20वां है मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत लिखिए बताइए। फिर प्रछन्न और मौसमी बेरोजगार में अंतर लिखिए। फिर इसके बाद जो 21वां प्रश्न है यहाँ पर भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं, और ये जो आपका सेट डी का रियल पेपर बता रहे हैं हम। और यहाँ पर देखिए 21वीं का अथवा है भारत में निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके उत्तर आप ढूंढ लीजिए, हम आपको अभी जैसे हमें जो है पेपर मिला हम आपको तुरंत बता रहे हैं पूर्वी। फिर इसके बाद का जो है तटीय मैदान में अंतर लिखिए, तो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखना है। फिर यहाँ पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है किसी एक का वर्णन कीजिए।
फिर इसके बाद जो 23वां प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? और जो इसका अथवा है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। ये जो आपके 23 के 23 प्रश्न जो हमने आपको बता दिए, 100% जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो है सेट डी, हमने कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 आपका सेट डी 100% जो है आपका सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर बता दिया है। कल आप जो है पेपर देने जब जाओगे तो आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। सेट डी हो गया आपका वायरल, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022। यहाँ पर आपका देखिए पूरा पेपर हमने आपको PDF बता दी है, और अगर आपको जो है इसकी PDF चाहिए तो तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर हमने इसकी जो है सारी PDF डाल दी है, तो तुरंत ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। आज की वीडियो में जो हमने कक्षा 9वीं का जो सेट आपका डी है 100% जो आपका रियल पेपर बताया और हमें अभी अभी मिला, तो हमने आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दिया इसके उत्तर की। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और सुबह आपको इसका जो है फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो है हमने आपको बता दिया 100% जो है रियल PDF बता दी रियल पेपर की। यहाँ पर आपका जो सेट डी आपका रियल पेपर है, यहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं का जो है आपका 100% रियल पेपर बता दिया है, और इसका जो और आप जब और यहाँ पर देखिए आपका कक्षा 9वीं और सुबह की वीडियो में जो हम इसका फुल सॉल्यूशन डालने वाले हैं, तो लाइक कर दें वीडियो को, वीडियो को लाइक कर दें। हमने आपको सबसे पहले दिया है सामाजिक विज्ञान का सेट डी रियल पेपर, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।